class 5. How are you all? Take out your EVS book, children. Page number 40-41. We are doing reading of this chapter, Living Things and Non-Living Things. What we have read till now, we have read that living things are known as biotic components, non-living things are known as abiotic components. Then we studied about some of the characteristics of living things, like they can move, they can grow, they reproduce, they are sensitive and they need food. Then we studied that all the living things are dependent on each other. And living things are categorized into three different groups. Those are producers, consumers and decomposers. Who are producers? Green plants who can make their own food are known as producers. How do they make their own food? They make their own food with the help of air, water and sunlight. And this process is known as photosynthesis. Only green plants, teen hote hai living things, plants, animals and human beings. Only green plants are the one who can make their own food. So, green plants are also known as producers and autotrophs. Then the second group is consumers. जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए, जैसे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, तो उन्हें हम बोलते हैं कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स, लाइक देयर आर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड स्केवेंजर्स. हर्बीवोर्स होते हैं जो सिर्फ घास खाते हैं, ओनली ग्रास ईटिंग एनिमल्स. देन कार्निवोर्स वो होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को मार के उनका फ्लैश खाते हैं. और स्केवेंजर्स कौन होते हैं? जो दूसरे एनिमल्स को मारते नहीं, मरे हुए एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, वो होते हैं स्केवेंजर्स. क्योंकि ये मरे हुए एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं तो ये एनवायरमेंट को क्लीन रखने में मदद करते हैं. फिर ओमनिवोर्स वो होते हैं जो प्लांट और एनिमल्स दोनों के प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स. फिर हमने पढ़ा था डीकम्पोजर्स. डीकम्पोजर होते हैं फंजाई एंड बैक्टीरिया, छोटे 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 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते. ये क्या करते हैं? ये डेड बॉडीज को बिल्कुल ब्रेक डाउन कर देते हैं और उसे मिनरल में कन्वर्ट कर देते हैं. फिर ये मिनरल सॉइल में मिक्स हो जाता है और यही सॉइल प्लांट दोबारा से एब्जॉर्ब करता है. इसको हम बोलते हैं रिसाइकलिंग. क्योंकि हम फंजाई बैक्टीरिया को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं, इसलिए हम इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं. उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है. जैसे हर लिविंग थिंग को जीने के लिए क्या चाहिए? एयर, वाटर एंड सनलाइट. और ये सब क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग्स है. इसका मतलब हर लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग पे डिपेंडेंट है. नाउ वी विल रीड अबाउट फूड चेन. द नेक्स्ट टॉपिक इज फूड चेन. सो टेक आउट पेज नंबर 41 एंड रिपीट आफ्टर मी. देयर इज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन plants and animals. Plant और animal दोनों एक दूसरे पे depend रहते हैं. Every organism on the earth needs energy to perform several activities. अर्थ पे जितने भी organism है, जितने भी, चाहे छोटा चाहे बड़ा, चाहे जानवर चाहे कोई भी, सबको काम करने के लिए क्या चाहिए? Energy. The sun is the ultimate source of energy. सबसे ज्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है? सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी हमें मिलती है सन से. सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. प्लांट्स यूज सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड. मैंने आपको बताया था ना कि प्लांट अपना खाना किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस पे. यानी कि प्लांट्स को भी खाना बनाने के लिए किसकी जरूरत है? सनलाइट की, एनर्जी की. दे स्टोर दिस एनर्जी इन देयर फूड. हर्बीवोर्स गेट दिस एनर्जी व्हेन दे ईट प्लांट्स. अब देखो, प्लांट ने क्या किया? प्लांट ने सनलाइट ली. सनलाइट से प्लांट को क्या मिली? एनर्जी मिली. फिर हर्बीवोर ने, हर्बीवोर कौन होते जो प्लांट्स को खाते हैं? हर्बीवोर ने उस प्लांट को खा लिया, तो उस प्लांट में जो एनर्जी आई थी सनलाइट से, वो उस हर्बीवोर में चली गई. ठीक है. कार्निवोर्स गेट दिस एनर्जी व्हेन दे ईट हर्बीवोर्स. फिर कार्निवोर्स क्या करते हैं? वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. यानी कि हर्बीवोर ने खाया, जो हर्बीवोर को किसने खा लिया? कार्निवोर ने खा लिया. तो जो एनर्जी हर्बीवोर में आई थी प्लांट से, वो किसमें चली गई? अब कार्निवोर्स में.
द फीडिंग रिलेशनशिप एंड एनर्जी फ्लो फॉर्म्स अ चेन. ये एक चेन बन गई ना. पहले प्लांट में एनर्जी आई, प्लांट से एनर्जी हर्बीवोर में गई, हर्बीवोर से एनर्जी कार्निवोर में गई. तो एनर्जी सन से आई थी जो एक दूसरे में पास होती चली गई. तो ये एक चेन बन गई. इसी चेन को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन. सिंस फूड इज इन्वॉल्व इन दिस चेन इट इज कॉल्ड फूड चेन. दस अ फूड चेन इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच फीड अपॉन ईच अदर. तो फूड चेन क्या है, एक ग्रुप है जिसमें प्लांट और एनिमल एक दूसरे पे फीड, एक दूसरे से फीड कर रहे, एक दूसरे को खा रहे, एक दूसरे से एनर्जी ले रहे हैं. अ फूड चेन स्टार्ट्स विद अ प्लांट एंड एंड्स विद अ कंज्यूमर. जैसे एक फूड चेन है, फूड चेन में क्या है, सबसे पहले सनलाइट से एनर्जी ग्रास में आई, ग्रास क्या है प्लांट, फिर ग्रास को एक हर्बीवोर यानी कि डियर ने खा लिया. तो वो एनर्जी जो ग्रास में थी वो किस में चली गई, डियर में. डियर एक हर्बीवोर है तो डियर के पास एनर्जी है. डियर की एनर्जी किसके पास, डियर को किसने खा लिया, डियर एक हर्बीवोर है, हर्बीवोर को खाया लायन ने जो कि एक कार्निवोर है. तो डियर में जो एनर्जी आई थी वो किस में चली गई, अब कार्निवोर यानी कि लायन में चली गई. तो ये एनर्जी पास होती चली गई फूड की वजह से, इसी को बोलते हैं हम फूड चेन. अंडरस्टूड चिल्ड्रेन. नाउ सी सेकंड एग्जांपल है, दिस इज ग्रास. ग्रास में एनर्जी आई सनलाइट से, ग्रास को किसने खाया, ग्रास हॉपर ने. ग्रास हॉपर में वो सारी एनर्जी चली गई, ग्रास हॉपर को खाया बर्ड ने. बर्ड खाती है ग्रास हॉपर्स को, तो जो एनर्जी आई थी ग्रास से, ग्रास हॉपर में, वो एनर्जी ग्रास हॉपर से किस में चली गई, बर्ड में. तो ऐसे ही एनर्जी का मूवमेंट चेन आगे आगे चलती रहती है, इसी को हम बोलते हैं फूड चेन. नाउ ग्रास हॉपर ईट्स ग्रास, अ बर्ड ईट्स द ग्रास हॉपर, दिस फॉर्म्स अनदर फूड चेन. इन दिस फूड चेन energy passes from the sun to the grasshopper and finally to the bird. अब ये सब मिलके ना एक कॉम्प्लेक्स वेब बना लेते. देखो कौन किससे एनर्जी ले रहा है, कोई किसी से एनर्जी ले रहा है, सब एक दूसरे पे डिपेंड है, सब एक दूसरे से एनर्जी ले रहे हैं. तो इन्होंने एक वेब सा बना लिया, एक जाल सा बना लिया है खाने का, इसी को हम बोलते हैं फूड वेब. एनिमल एंड प्लांट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स फूड चेन्स कॉल्ड अ फूड वेब. अ फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स. जब बहुत सारी फूड चेन्स एक साथ देखी जाती है तो वो क्या बन जाती है, फूड वेब. इट शोज ऑल द फीडिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स. ऑल राइट, so that's all for today children. We have read this chapter, only one paragraph is left, that we will do after your Gandhi Jayanti holiday. Till then you have to read the chapter very very thoroughly because it is a difficult chapter yet it is interesting. So I want all of you to take interest in this chapter and read it very very thoroughly. If there is any confusion, please you can ask me through voice note and just read it in your homework, and we will continue day after tomorrow. Bye bye.